हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? गाइज, आई एम रियली सॉरी, ऐसे डिजिटल पैनल पर ये वीडियो आपको देना था। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो लास्ट वीडियो 3 साढ़े 3 घंटे का मैंने डिजिटल पैनल पर शूट कर दिया था, और कोरोना के इस समय पर वो फिर उसके बाद मेरी तबीयत दोबारा से ख़राब हो गई, वजह से ये वीडियो आने में भी डिले हो गया। मैंने कहा था ना कि शाम को 6 बजे ये वीडियो ज़रूर आएगी। डेफिनेटली ये वीडियो आज शाम को 6 बजे आपको मिल रही है ना गाइज? बहुत सारे बच्चे मुझे जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते बता दूँ, माई नेम इज़ विनोद कुमार बहल। आई एम द फिजिक्स एडुकेटर, CEO एट AVJMS एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, रनिंग स्कूल प्रोजेक्ट इन द्वारका इंटरनेशनल स्कूल, एंड यस बच्चों, विजिटिंग फैकल्टी एट एलन रोहतक। के साथ साथ बच्चों, अन अकेडमी में नया क्या है, आस्क अ डाउट फीचर, अब आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं कभी भी किसी भी समय पर। रात को 2 बजे भी अगर आपको डाउट्स पूछने तो आप पूछ सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्या है बच्चे? ये एक पेड प्लेटफॉर्म है। जैसे अगर स्पेशल क्लास में आप देखोगे बच्चे, तो वहां पर क्या होता है ना, एक ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लेक्चर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको पहले से ही सब कुछ पता है कौन सा टीचर क्या पढ़ाने वाला है। गाइज, अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सारे सब्जेक्ट्स आपको बहुत मिनिमल, बहुत ही कम प्राइसिंग, बहुत कम कॉस्ट में मिल रहे हैं। फिर उसके बाद आता है बच्चे अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहाँ पर आप देखोगे तो वन ऑन वन मेंटोरशिप मिल रही होती है आपको, और ये आपकी प्राइस देंगे। बहुत सारे बैचेस आपके लिए आए हुए हैं, हम हर मंडे को एक नया बैच लॉन्च करते हैं बच्चों, तो आप ये भी देख सकते हो। ये एक छोटा सा कोड है बच्चे, इस कोड का नाम है VK आर्मी, और आपको इस कोड को जरूर शेयर करना है। ये जो आपके सामने ये कोड मैं लेके आ रहा हूँ ना, ये वाला जो 10% ऑफ वाला कोड है, इसको आपको जरूर शेयर करना है। चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए बच्चों, अब हमें बढ़ना है और हम अपने स्क्रीन को फुल कर देते हैं। गाइस, अब हमें क्या करना है, आज हमें चैप्टर नंबर सेकेंड यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस का वन शॉट करना है। चलिए बच्चों, शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस के वन शॉट के साथ। तो बेटा, जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस, तो ये आपके चैप्टर के टॉपिक का नाम है, मतलब ये चैप्टर का नाम है आपका। अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस, तो असल में सबसे पहले पहले इस चैप्टर को हम दो ही हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा आपका कहलाया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बेटा एक हिस्सा आपका कहलाया जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अगला हिस्सा आपका कहलाया जाएगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस। इन दो हिस्से में हमने अपना ये चैप्टर को डिवाइड किया है। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की तरफ। राइट बच्चों, तो बढ़ते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की तरफ। हमें इसका कलर भी चेंज कर लेना चाहिए। तो नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें बच्चे, बारे में जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स चेंज द कलर टू ब्लैक। ओके, देखो बच्चे, असल में क्या होगा ना, ये आपके पास एक गिवन चार्ज है, ठीक है, ये एक चार्ज पार्टिकल है, और इसका अपना ये एक फील्ड है। अब क्या होता है ना बच्चे, आप इनफाइनाइट से ये क्यू नॉट, आप सभी को भली बातें पता है, दिस इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दिस इज बच्चे यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आप क्या कर रहे हो, आप इनफाइनाइट से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते 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 इस चार्ज के फील्ड में रख रहे हो। बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, अगर मान लेते हैं ये इनिशियली एक्स दूरी पर रखा हुआ है, ए पॉइंट पर, तो ये यहां पर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। बच्चे फोर्स कितना होगा बेटा, फोर्स विल बी ए क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर। राइट बच्चे, तो वी विल बी, मतलब ये जो क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल है, ये इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं। असल में फोर्स राइट को लग रहा है, तो हम लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस करते हैं, और फाइनल जो डिस्टेंस है वो आर है। बहुत
बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, अगर आप डिस्प्लेस करोगे तो देर विल बी सम वर्क डन, तो आप क्या कहेंगे, लेट लेट डी डब्ल्यू बी द, लेट डी डब्ल्यू बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, लेट डी डब्ल्यू बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज, या आप इवन ये कह सकते हैं इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज, इन डिस्प्लेसिंग द Q not by displacement dx बेटा। तो dW तो क्या होता है सभी को पता है, F dot dx बेटा, और अगर F dot dx है तो वो तो F dx cos 180 लगेगा। क्या रीजन है इसके पीछे, फोर्स राइट की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका पीछे है बेटा। कहानी समझ में आ रही है आप सभी बच्चों को, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस F dx बेटा, क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस एफ डी एक्स। आई गेस आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो आप बस एक बार बच्चे, अगर आपको डी डब्ल्यू समझ में आ गया कि ये माइनस एफ डी एक्स है, तो इसका मतलब आपको वर्क डन तो निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा बेटा, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा यानी कि माइनस एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन बेटा, यानी कि माइनस एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन बच्चे। तो इसका मतलब आप माइनस को बाहर निकालिए, एफ में से के क्यू क्यू नॉट को बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन करिए 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का, कहां से कहां तक बेटा, इंफिनिटी से आप लेके आ रहे हो और कहां तक, आर तक, राइट बच्चा पार्टी। तो ये आपका क्या है, वर्क डन है। कोई बात नहीं, यहां तक आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, आप यहां तक एक बार लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करना है। आई गेस आप लोगों ने लिख लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए बेटा, आपने क्या बोला सर, वर्क डन बराबर माइनस के क्यू क्यू नॉट, मैंने कहा ठीक है, माइनस के क्यू क्यू नॉट, इंटीग्रेशन हो रहा है 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का, वो भी इंफिनिटी से आर तक। अगर आप ध्यान दोगे बेटा तो 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स की पावर माइनस टू इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक बेटा, इंफिनिटी से आर तक। अब एक बात बताओ, ये क्या बनेगा बेटा, माइनस टू प्लस वन बाय माइनस टू प्लस वन, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से आर तक। एक बार आपका आर आएगा बेटा, पहले तो इसको देखो, एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, और यू कैन से बेटा, और यू कैन से माइनस बाहर ले लो, ठीक है, वन बाय एक्स इंफिनिटी से आर। तो एक बार देखो बच्चे, इसको सीधा सीधा यहां रखो ना, वर्क डन बराबर माइनस के क्यू क्यू नॉट, माइनस बाहर ले लो बेटा, तो क्या हो जाएगा, इधर 1 बाय एक्स इंफिनिटी से आर, माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया, वर्क डन आया बेटा के क्यू क्यू नॉट, और यहां पर बच्चे के 1 बाय आर माइनस 1 बाय इंफिनिटी बेटा, माइनस 1 बाय इंफिनिटी तो जीरो हो गया, बिकॉज 1 अपॉन इंफिनिटी जीरो हो गया, तो वर्क डन कितना आया बच्चे, के क्यू क्यू नॉट बाय आर, वर्क डन कितना आया बेटा, क्यू क्यू नॉट बाय आर। ये तो हमारा वर्क डन है बच्चे, ये तो हमारा वर्क डन है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, और सभी को पता है पोटेंशियल इज वर्क डन एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज क्यू नॉट। इसका मतलब आप के क्यू क्यू नॉट को बाय आर को आप क्यू नॉट से डिवाइड करो, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, वी इज के क्यू बाय आर बेटा, वी इज के क्यू बाय आर। समझ में आ रहा है आप सभी बच्चों को, राइट बच्चा पार्टी। एक सेकंड मैं थोड़ा सा यहाँ पर देख लेता हूँ बच्चे, एक सेकंड मैं थोड़ा सा यहाँ से हटाऊंगा, क्या रीजन क्या है, मुझे रिकॉर्डिंग थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा, बहुत मच्छर है, थोड़ा सा ना काला हिट स्प्रे करना पड़ेगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो आपने क्या बोला बच्चे, बी बराबर के क्यू बाय आर, असल में ये क्या है बेटा, असल में ये एक स्केलर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि जैसे आपने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स को वेक्टर पढ़ा था, अगर मुझे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना होगा तो स्केलर सम देखना होगा, इसका यूनिट क्या होता है बेटा, वोल्ट होता है। तो अगले पेज पे बढ़ रहा हूं बेटा, अगर कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा है, यहां पर दो चार्जेस की जरूरत नहीं होती, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट Due to a given point charge बेटा, due to a given point charge बच्चे, एक given point charge की वजह से
हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये अगर Q है और इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इससे R दूरी पर है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, सो दैट विल बी बेटा KQ बाय R। समझ में आया, KQ बाय R। तो चलो क्यों ना एक पॉइंट पर बहुत सारे डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस लेते हैं और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। तो इसका मतलब बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आज बेटा पहले टॉपिक्स को खत्म करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे ऐसी बात नहीं है, बट बीच बीच में करेंगे, पहले बेसिक क्वेश्चंस नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ n number of discrete point charges बेटा, due to a n number of discrete point charges। तो अब अगर आप बात करोगे बच्चे, तो आप देखो एक सिंगल पॉइंट है यहां पर बच्चे, कोई डायरेक्शन का कोई खेल नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है बेटा q1 q2 q3 qn है और यहां पर r1 r2 r3 rn। यहां पर ऐसा नहीं है कि उस पॉइंट पर ये डायरेक्शन होगा पोटेंशियल का ये है, क्योंकि पोटेंशियल एक कैसा क्वांटिटी है बेटा, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, और अगर पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो बस उस पॉइंट पर सारे पोटेंशियल्स का स्केलर सम कर दो। यानी कि ऐसी बात नहीं है, पहले आपको निकालना पड़ेगा वी वन क्या आएगा बेटा, के क्यू वन बाय आर वन, ठीक है, वी टू क्या आएगा, के क्यू टू बाय आर टू, वी थ्री क्या आएगा बेटा, के Q3 by R3, ऐसे करते करते Vn क्या आएगा बेटा, KQn by Rn, ठीक ना बच्चे। आप एक बार यहां तक नोट डाउन कर लो, अल्टीमेटली V को करना ही क्या है बेटा, V के लिए आपको इस सब को ऐड करना पड़ेगा, इन सब का स्केलर सम लेना पड़ेगा। यानी कि बच्चे यहां से बस सीधा K कॉमन ले लो, ब्रैकेट में ले लो बाकी सब, कि नीचे मेरी फोटो भी है, बहुत ज्यादा लिखूंगा तो वो फोटो आ जाएगी सामने, फिर वो कहेगी ए भाई साहब मेरे पीछे छुप जाएगा आपका राइटिंग, ठीक है। तो आप इसको सीधा सीधा लिख लो बच्चे, के समेशन ऑफ क्यू आई बाई आर आई, यहाँ पर आई बराबर वन टू एन, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में करवाया था वो सेम सिनेरियो थोड़ा सा यहाँ पर भी रिपीट हो गया, बस वहां पर नीचे स्क्वायर हुआ करता था और साथ ही मैं कैप लिखते थे, मतलब डायरेक्शन देते थे, यहाँ पर डायरेक्शन का कोई खेल नहीं है बच्चों। आई गेस आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब एक काम करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट, यानी कि पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड सारी चीजें खत्म करेंगे। क्या मतलब है बेटा, कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले पहले हम डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन, फिर बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और ऐसे करते करते स्टेप वाइज कैपेसिटेंस तक पहुंच जाएंगे, राइट बच्चों। तो कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास, कॉन्सेप्ट आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहां पर क्या है ना बच्चे, हमने फर्स्ट चैप्टर में एक पॉइंट पर पढ़ा था ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, बच्चे हमने फर्स्ट चैप्टर में एक दो पॉइंट्स पर पढ़ा था, यहां पर हम तीन पॉइंट्स पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो कहेगा एट एन एक्सियल पॉइंट, क्या कहेगा, एट एन एक्सियल पॉइंट। सभी बच्चों को भली बात ही बहुत अच्छे से पता है कि एक डायपोल क्या होता है, डायपोल में एक माइनस क्यू चार्ज होता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है, और वो आपस में आर दूरी पर ऐसे, इवन आर दूरी पर क्यों लिखोगे आप 2L दूरी लिखेंगे। अगर आप देखोगे तो हम सेंटर निकालेंगे, सेंटर से ये आपका L होगा बच्चे, ठीक है, ये भी L होगा, लेकिन हाँ उस पॉइंट की दूरी जहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है वो सेंटर से आर दूरी होगी। तो यहां से अगर इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, तो ये क्या होगा बेटा आर माइनस एल, और ये क्या होगा बच्चे आर प्लस एल, और ये क्या होगा बेटा आर प्लस एल। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो असल में बच्चे अगर आप देखोगे, सबसे पहले पहले तो आप ये देखो पी ए, मतलब ए की वजह से इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, ए क्यू बाय आर माइनस एल, राइट बच्चे। यहां पर कोई वेक्टर सम तो है नहीं कि हमें डायरेक्शन से प्लस माइनस पता चल जाएगा, पर अभी कैसे पता चलेगा वो देखो, V due to B, यहां चार्ज क्या है माइनस, तो यहां पर माइनस के क्यू लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि के क्यू के साथ माइनस है और डिस्टेंस लगेगा बेटा आर प्लस एल। अब यहां तो सीधा सीधा स्केलर सम होता है बेटा,
यहाँ तो सीधा सीधा वी ड्यू टू एक्चुअल जो होगा वो होता है असल में वी ए प्लस वी बी बेटा। तो यहां तक एक बार नोट डाउन कर लो आप, या स्क्रीनशॉट ले लो, या साथ साथ अगर कर रहे हो तो कर लो, या वीडियो को पॉज करके कर लो। मैं अगले पेज पर बढ़ रहा हूं बेटा, इसको कंटिन्यू करता हूं अगले पेज पर। कैसे, आप देखो बच्चे, यानी कि आपका वी एक्शन क्या हो गया बेटा, आपका वी एक्शन हो गया वी ए प्लस वी बी। कहने का मतलब है बेटा, कहने का मतलब है बच्चे, के क्यू बाय आर माइनस एल, के क्यू बाय आर माइनस एल माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल, राइट बच्चे। और अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे तो के क्यू को कॉमन उठा लो, ब्रैकेट में नीचे आएगा 1 बाय आर माइनस एल माइनस 1 बाय आर प्लस एल, यानी कि यू विल गेट बच्चे के क्यू, ब्रैकेट में इधर से एलसीएम लो आर प्लस एल माइनस इधर से आर माइनस माइनस, सीधा सीधा प्लस एल हो जाएगा बच्चे। डिवाइड करो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस से माइनस कट गया बेटा, अपने पास क्या आया के क्यू इंटू टू एल डिवाइडेड बाय बेटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, राइट बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है आप सभी बच्चों को। तो आप अगर अभी इसको देख पाओगे, अगर आप अभी इसको देख पाओगे, एक सेकेंड होल्ड करिएगा, हाँ अगर आप अभी इसको देख पाओगे तो ये हमारे पास वी एट एक्चुअल पॉइंट है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका मतलब वी एट एक्चुअल पॉइंट क्या आया बच्चे, ये क्यू इंटू टू एल तो क्या है बेटा, ये तो पी है, क्योंकि हमें पता है दैट पी बराबर क्यू इंटू टू एल। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे बच्चे, आप कहोगे सर वी एक्चुअल बराबर के पी बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लेकिन एज यूजुअल फर्स्ट चैप्टर की तरह यहां पर भी वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल के लिए एक केस आएगा, और अ वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल बच्चे, जो वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल है आपका एल स्क्वायर विल बी लेस देन आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर तो नेग्लिजिबल हो जाएगा बच्चे। तो इस केस में वी एक्चुअल जो बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, के पी बाय आर स्क्वायर, राइट बच्चे, वी एक्चुअल क्या बनेगा, केपी बाय आर स्क्वायर। आई होप आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और अगर आप इसको समझ गए बच्चे तो फिर अब हम बढ़ेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अपने अगले टॉपिक की तरफ। वो क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से ही इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है बच्चे। आप यहां तक प्लीज नोट डाउन कर लो, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, मैं अपने अगले पार्ट तक बढ़ रहा हूं, राइट बच्चों। कैसे बढ़ूंगा, सो आई विल से बेटा, आई विल से बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैं जरा पीछे देखूं मैंने कहीं फील्ड तो नहीं लिखा ना, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अक्सर ऐसा हो जाता है पोटेंशियल की जगह फील्ड लिख देते हैं तो वो गलती हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और वो पॉइंट क्या होगा बच्चे, वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट होगा आपका एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कहां पर बच्चे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट बच्चा पार्टी। कुछ नहीं करना है, बस एक माइनस क्यू लेना है, एक प्लस क्यू लेना है, ठीक है ना। और यहां से आप सेंटर से इस पॉइंट का दूरी लोगे, ये पी पॉइंट है जहां पर निकालना है, तो बेसिकली आर दूरी पर है, दिस इज योर एल। असल में क्या होगा, यहां कोई डायरेक्शंस नहीं है, एक बी की वजह से होगा, एक ए की वजह से होगा, देन सम हो जाएगा। ये एल है, ये आर है, तो पाइथागोरस से बेटा ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट होगा। तो वी ए क्या होगा बच्चे, दैट विल बी के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, और वी बी क्या होगा बेटा, दैट विल बी के माइनस क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। और वी ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा बच्चे, या वी ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा, के क्यू बाय आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, और ये इक्वल इक्वल, सो वी एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या हो गया बच्चे, जीरो हो गया। इसका मतलब अगर डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो तो निकलेगा, लेकिन अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो वो जीरो होगा,
आपके सामने है बच्चे, आप देख पा रहे हो जैसा मैं आपको कह रहा हूं। राइट बच्चा पार्टी, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, वो क्या होगा बेटा, दैट विल बी एट एनी पॉइंट। बच्चे आपने एक्सियल निकाल लिया, आपने इक्वेटोरियल बता दिया, अब आप किसी भी रैंडम पॉइंट पी पर अगर बताओगे तो उसमें क्या होगा, जरा जानते हैं उसको भी। तो ये लोगो बच्चों यहां लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं बेटा, राइट, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं लेकिन बच्चों यस बच्चा पार्टी, तो नाउ वी विल राइट बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नाउ वी विल राइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट ड्यू टू, या फिर ऐसा लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है किसी भी एक पॉइंट पर, कोई बात नहीं। देखो बच्चों माइनस क्यू लेंगे पहले तो, फिर अपना प्लस क्यू लेंगे, यहां से सेंटर लेंगे, किसी भी पॉइंट पर बताना है ना, पहले तो यहां से ये बाइसेक्टर लगाएंगे। अब मान लेते हैं पॉइंट कहीं पर भी है, मान लेते हैं यही पर है पॉइंट, तो आपको पता है सेंटर से उस पी पॉइंट का दूरी हम क्या मानते हैं, हमेशा आर मान के चले हैं, ये आर है, एल है बेटा, राइट बच्चा पार्टी। ऐसे करके तो एक ये तो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एक बारी यहां से आप इसको जोड़ेंगे, ठीक है बच्चे, और इसको आप पूरा एक्सटेंड करेंगे, यहां से आप इसको जोड़ेंगे। असल में यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा बी एन, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इसको इवन बी एम मान लो, ठीक है, और इसको ए एन मान लो, ठीक बच्चे। आप मेरी बात देखो, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ठीक है ना, कुछ एंगल थीटा पर है, हमें नहीं पता क्या, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस। देखो बच्चे सेंटर से ये दूरी आपकी आर थी, ये एल है, अगर मैं आपको बताऊं ओ एम तो आप क्या कहोगे, आप लिखोगे बेटा इन ट्रायंगल ओ एन ए या ओ ए एन, क्या होगा, बेस तो गिवन है, मतलब अगर ये देखोगे तो ये 90 डिग्री है, तो मतलब हाइपोटेनस गिवन है, आपको क्या चाहिए बेस, तो कॉस थीटा बराबर बेटा आपका ओ एन, ओ एन डिवाइडेड बाय बेस इज ओ ए, राइट, इसका मतलब कॉस थीटा बराबर ओ एन बाय ओ ए इज एल, तो ओ एन बराबर बेटा एल कॉस थीटा, ओ एन बराबर क्या हुआ एल कॉस थीटा, तो इसका मतलब पी एन क्या हुआ बेटा, इसका मतलब पी एन क्या हुआ बच्चे, अगर पूरा पीओ आर है तो पी एन क्या होगा आर माइनस एल कॉस थीटा, और आपको कायदे से बता दूं बेटा कि पी एन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है पी ए के, इसका मतलब वो है आपका आर माइनस एल कॉस। गॉट इट गाइस, समझ में आया, चलो एक काम करते हैं, अब इस वाले ट्रायंगल में आते हैं ओ बी एम वाले में, अगेन इन ट्रायंगल ओ बी एम, आपको पता है परपेंडिकुलर के सामने वाला एल है, ये हाइपोटेनस गिवन है, फिर बेस चाहिए, यहां पर भी कॉस थीटा बराबर बेस इज ओ एम, और ये आपका ओ बी, इसका मतलब अगेन कॉस थीटा बराबर बेटा ओ एम बाय एल, यानी कि यहां से फिर आपको पता चलेगा दैट ओ एम बराबर, यही से पता चलेगा ओ एम बराबर एल कॉस थीटा, राइट बच्चे, तो इसका मतलब आपका पी एम क्या होगा, आपका पी एम क्या होगा, अब तो आर प्लस एल कॉस थीटा करना पड़ेगा, सो आर प्लस एल कॉस थीटा, या आप कह सकते हो बेटा पी एम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी बी विच इज आपका आर प्लस एल कॉस थीटा। गाइस इतना जैसे ही आपका हो जाता है, यहां पर ही लिख लो सीधा ना, पी एम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर प्लस एल कॉस थीटा, लगभग लगभग बराबर होते हैं बेटा डायपोल के लिए, अगर आप देखोगे ये शॉर्ट डायपोल के लिए लगभग लगभग बराबर होता है। तो जैसे ही आपको समझ में आ गया बेटा, जैसे ही ये आपको समझ में आ जाता है, अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ सकते हैं, तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, मैं तो अगले पेज पे बढ़ना चाहता हूं, ठीक है ना। तो अगले पेज पे मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं एक बार ए पॉइंट की वजह से ले रहा हूं पोटेंशियल, एक बार बी पॉइंट की वजह से,
कैसे बेटा? देखो वी ए क्या है बेटा, वी ए तो आएगा के क्यूब आए, और दूरी जो है, ये जो दूरी है ये क्या होगी बच्चे, ए पी विच इज आर माइनस एल कॉस थीटा, विच इज आर माइनस एल कॉस थीटा, ये पहला पार्ट है। और बी बी क्या होगा बच्चे, के क्यूब आए, यहां पर क्या हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा, लेकिन प्लस क्यू नहीं है माइनस, क्योंकि क्यू आपका माइनस है और वी स्केलर है। तो इसका मतलब वी नेट क्या होगा बेटा, वी ए प्लस वी बी प्लस हो रहा है लेकिन ये तो माइनस है, दैट सिंपली मीन्स के क्यू बाय आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल कॉस थीटा, या फिर आप कह सकते हो बेटा के क्यू ब्रैकेट में यहां पर आएगा वन बाय आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस बेटा वन बाय आर प्लस एल कॉस थीटा। काम करो बच्चे, एक काम करो, यहां से इसको ऊपर उठाओ तो v बराबर के क्यू एलसीएम ले लो, ये हो गया r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा, और अगर आप ध्यान दो तो नीचे आपका a माइनस बी ए प्लस बी, कर लो भाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। समझ में आ रही है आपको मेरी बात भाई? r से r कैंसिल आउट करो, v क्या होगा के क्यू, इधर आएगा एल कॉस थीटा मतलब 2l cos थीटा, और नीचे डिवाइड होगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बेटा q इंटू 2l तो p होता है, तो v आ रहा है बच्चे kp cos थीटा बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। बच्चों ये जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है, क्योंकि इसी के थ्रू मैं एक्सियल पर भी बता सकता हूं और मैं इक्वेटोरियल पर भी। अब आप कहोगे सर वो कैसे, कोई बात नहीं, देखो बच्चे आप इतना तो उतार लो, एक बार इतना लिख लिया होगा, मैं अगले पेज पे बढ़ता हूं, इसी फॉर्मूले को दोबारा रिपीट करता हूं। कैसे, वी बराबर के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट बच्चे? अब देखिए एट एक्सियल पॉइंट बेटा, एक्सियल पॉइंट पर बच्चे, एक्सियल पॉइंट पर ये जो पी पॉइंट है बेटा, ये यहां तो नहीं है, इधर होगा, मतलब थीटा जीरो बनाएगा और इक्वेटोरियल पर 90 डिग्री, तो एक्सियल पॉइंट पर आपका थीटा क्या है बच्चे, 0 डिग्री। अगर थीटा जीरो है तो वी क्या होगा, के पी कॉस जीरो बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर जीरो। अभी कॉस जीरो क्या है, वन है, और ये भी वन है, इसका मतलब वी क्या होगा बच्चे, के पी बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, राइट बच्चे? वी क्या होगा, के पी बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आई गेस आपको समझ में आ रहा है। तो ये आपका एक्सियल है, और अगर आपको इक्वेटोरियल पॉइंट निकालना है तो एट इक्वेटोरियल आपका थीटा 90 डिग्री है, सीधा सीधा बेटा v बराबर के पी कॉस 90 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस, अब तो और तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि कॉस 90 तो सीधा सीधा जीरो हो जाता है, सो v एट इक्वेटोरियल पॉइंट बराबर जीरो, और एक्चुअल पॉइंट पर यहां पर कितना आ रहा है, के पी बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, राइट बच्चा पार्टी? तो आई गेस यहां तक आप लोगों ने कर लिया होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट तो पूरा हो गया। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, मैं 2 मिनट का गैप लूंगा, क्योंकि मेरे को बच्चे कोविड हो रखा है और मैं एक साथ इतनी लंबी लंबी क्लास नहीं ले पाता। आप ट्राई करिए, आपको समय नहीं पता चलेगा कि मैं गैप ले रहा हूँ, क्योंकि मैं तो एक ही सेकंड में कंटिन्यू करूंगा, मैं तो यहाँ पर प्रीमियर कर रहा हूँ वीडियो। तो चले बच्चों, अभी जैसे हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, फिर एनी पॉइंट पर, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, पहले एक दो क्वेश्चंस करते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, राइट बच्चों? तो एक सेकंड होल्ड करिए, मैं जरा इसको फुल स्क्रीन कर दूं। तो अब गाइज हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये स्केलर है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी काफ़ी बार करवाए हैं, बट यहाँ पर पूछ लेता हूँ मैं आपसे। हमारे पास सपोज करते हैं दो चार्जेज है बेटा, सपोज करते हैं हमारे पास दो चार्जेज है, एक है आपका 3×10⁻¹ कूलम, और दूसरा चार्ज है बेटा -2×10⁻¹ कूलम, और ये आपस में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ये दोनों चार्जेस आपस में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। अब ये आपसे पूछता है कि इन दोनों
चार्जेस में, मतलब जब ये लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा? और कह रहा है कि पोटेंशियल इंफिनिटी पे जीरो होता है, ऐसा आप मान के चल सकते हो। हमने कहा ठीक है भाई, एक बार देख लेते हैं, अगर ऐसी बात है तो एक बार देख तो सकते ही है। तो हमने क्या किया बेटा, हमने सीधा सीधा यहाँ पर क्या है ना, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी इस तरीके से हो तो एक तो बीच में देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बीच में नहीं आ पाता, लेकिन पोटेंशियल है तो एक तो बीच में होगा कहीं ना कहीं बीच में, मतलब बीच में इन द सेंस, मतलब यहाँ से x दूरी पर, तो यहाँ से आपका ये 15 - x या यू कह सकते हो आप 0.15 - x, क्योंकि मीटर में करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चे। और एक तो ये पॉइंट हो सकता है, दूसरा छोटे वाले मैग्नीट्यूड मतलब 2 वाले की तरफ। पहले यहाँ देख लेते हैं इस पॉइंट पर, मान लेते हैं इसको सी पॉइंट मान लेते, तो वी एट सी बराबर 1 वाले की वजह से पोटेंशियल प्लस 2 वाले की वजह से पोटेंशियल, और वो कितना है बेटा, 0 है, क्योंकि हमने 0 माना है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही से आपको पता चल जाएगा के क्यू वन अपॉन एक्स बराबर बेटा, बराबर बच्चे आपका के क्यू टू बाय एक्स। क्यू यहाँ पर माइनस होता, माइनस उधर जाके प्लस हो ही जाता, ठीक है ना बच्चे, के से के कट गया। अच्छा यहाँ पर एक्स टू, तो बेसिकली हमारे पास क्या है 0.15 - x है बेटा, ठीक है ना। तो Q1 तो क्या है 3 × 10⁻⁸, नीचे x है, इधर क्या है बच्चे 2 × 10⁻⁸, और यहाँ पर 0.15 - x। भाई ये तो कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर उसको आगे बढ़ाओ। कहने का मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा 3 × 0.15 - x बराबर बेटा आपका 2x, राइट बच्चे, यानी कि 0.45 - 3x बराबर 2x। तो वहां भेजो 0.45 बराबर 5x, और यू कैन से x बराबर 0.45 / 5 यानी कि 0.9, x बराबर 0.9 मीटर हो गया, या फिर आप कह सकते हो x बराबर आपका 0.09 हो गया, x इज 0.09 मीटर, और यू कैन से 9 सेंटीमीटर। मतलब इस a वाले चार्ज से, इस a वाले चार्ज से कुछ 9 सेंटीमीटर दूरी पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। अब दूसरा मैं आप तक सौंप रहा हूं बेटा, यहां पर कोई डी पॉइंट मान लो, उस पर पोटेंशियल कर लो, ए से इसका दूरी मतलब बी से इसका दूरी एक्स मान लो, और ए से 15 + x मान लो आपका, या ए से एक्स मान लो, बी से 15 - x मान लो, 15 + x - 15 मान लो बी से, आंसर आ जाएगा। तो एक तो इस तरीके का क्वेश्चन होता है। अगर आप देखोगे तो मैं आज आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी में, प्लीज इसको भी ट्राई करना, इस होमवर्क क्वेश्चन को, काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है। तो ये बोलेगा कि सर कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ Each side √2 meter due to charges 2 - 2 - 3 and 6 microcoulomb, सारे microcoulomb है at four corners of it बेटा, समझ में आ रहा है बच्चों? आई गेस आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। इसी के जस्ट बाद बच्चों अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज बच्चों आपने शायद ये उतार लिया होगा, आगे बढ़ता हूं। जो कॉन्सेप्ट आ रहा है बेटा, दैट इज आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमें रिलेशन चाहिए। तो सभी से आपको पता है अगर E = -dV/dr कर दिया बेटा, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों आई गेस आपको समझ में आ गया। चलिए खैर, पोटेंशियल के बारे में सारी चीज हम कर चुके हैं ऑलरेडी, लेट्स मूव टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चे
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं, वो क्या होता है। जैसे आप इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आए थे और उसके ऊपर कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा था, यहाँ पर हम इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज को लेके आते हैं, उसके ऊपर जो वर्क डन होता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसका डेफिनेशन लिखवा लेता हूं, आप देख लीजिए बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, आई गेस आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप क्या कह रहे हो, आप यहां पर ऐसा लिख सकते हो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in assembling the charges at their locations by bringing them from infinity, in assembling the charges at their location by bringing them from infinity beta, आई गेस आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट बच्चा पार्टी। अब जैसे आप कहोगे सर कैसे, आप एक बार प्लीज हमें बता दीजिए, मेरी बात सुनो बच्चे, मैं आपको समझा देता हूँ। आप देखो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी करते हैं तो मैं सबसे पहले आपको लिखवा देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ थ्री पॉइंट चार्जेस, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ, वैसे मैं थ्री करवा रहा हूं, आपका होमवर्क हो जाएगा एन पॉइंट चार्जेस का बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ थ्री पॉइंट चार्जेस। आप देखो सबसे पहले तो क्या हुआ ना बेटा, मैंने यहां पर क्यू वन चार्ज रख दिया, राइट, अच्छा उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, पहले क्यू वन था सिर्फ, फिर क्यू टू को लेके आया और अल्टीमेटली यहां से चलते चलते फिर मैं क्यू थ्री को भी ले आया। सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, सबसे पहले पहले तो वर्क डन ये Q1 को लाने में तो वर्क डन जीरो ही होगा, वहां पर किसी और की फील्ड तो है ही नहीं बेटा, वहां पर किसी और की फील्ड तो है ही नहीं, है ना। तो वर्क डन Q2 वाले के लिए क्या होगा, एक तो आपका 1-2 और एक आपका 2-3, अच्छा पहले अभी तक 3 वाला है ही नहीं तो सिर्फ 1-2 हो जाएगा, मतलब Q1 Q2 by R, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 by R होता है बेटा, वहां पर सिर्फ Q by R होता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। सर ये भी स्केलर होता है क्या, जी ये भी स्केलर होता है, पोटेंशियल भी स्केलर होता है, तो ये Q1 Q2 by R हो गया। सिमिलरली बच्चों थर्ड वाले को लाने के लिए एक तो 1-3 के साथ इंटरेक्शन है, एक 2-3 के साथ, तो Q1 Q2, इवन इसको आप R12 मान सकते हो, ठीक है ना, इसको आप R13 मान सकते हो और इस वाले को आप R23 मान सकते हो, तो KQ1 Q3 by और यहाँ पर Q2 Q3 by, यहाँ पर R13 होगा, यहाँ पर R23 होगा, इसका मतलब टोटल वर्क डन क्या होगा बच्चे, K कॉमन ले लो, यहाँ पर Q1 Q2 by R12 plus Q1 Q3 by R13 plus Q2 Q3 by R23। तो ऐसी नहीं है बेटा, इसका भी एक जनरल एक्सप्रेशन होता है, उसको आप लिख सकते हो के समेशन ऑफ Qi Qj अपॉन Rij, जहां पर आप ये कह सकते हो i 1 है तो j जो है वो 1 के बराबर नहीं होगा, या j आगे आएगा इससे, यहां पर i = n-1 से j = n तक, कहने का मतलब है आप इसको इवन और लिख सकते हो यहां पर फॉर ऑल पेयर्स, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो फॉर ऑल पेयर्स बेटा। तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की है,
ऐसी एन सिस्टम के लिए आप कर सकते हो, एन नंबर ऑफ चार्जेस के लिए आप कर सकते हो, बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती है। मैं साथ में आपको एक छोटी सी चीज यहाँ पर लिखवा देता हूँ, आप इसको प्लीज एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा, आप एक बार इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, आफ्टर दैट वी विल मूव अहेड बच्चों, है ना, शायद आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपको एक थोड़ी सी छोटी सी चीज लिखवाता हूँ बेटा, वो है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चे ये तो सभी को पता है, ये तो सभी को पता है कि यूनिट तो जूल होता है, लेकिन यहां पर एक और यूनिट हमें यूज करना पड़ता है, जो मैं आपको बता देता हूं, जो मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली डेल्टा यू क्या है बेटा, क्यू इंटू डेल्टा वी है, क्यू इंटू डेल्टा वी है, क्योंकि आपका आई एम रियली सॉरी गाइस, तो क्यू बाय वहां पर के क्यू बाय आर होता था, यहां पर के क्यू वन क्यू टू बाय आर है, तो उससे बस के क्यू को मल्टीप्लाई कर दो, राइट बच्चों। तो क्यू क्या है यहां पर, या तो इलेक्ट्रॉन ले लो, मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं या चार्ज को, 1.6 × 10⁻¹⁹, और डेल्टा वी है तो ये आपका 1, ये कूलम्ब हो गया, ये आपका 1 वोल्ट हो गया, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आप देखोगे तो ये क्या होता है बेटा, तो ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल बच्चे। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल के बराबर होता है। Yes, आपको समझ में आ गया होगा बेटा क्या है। तो चलो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। देखो क्या है ना, वो ये कह देगा आपसे, वो आपसे सीधा सीधा कह देगा कि सर मेरे पास ना ऐसे, मेरे पास ऐसे एक स्क्वायर है, मैंने कहा ओके, और स्क्वायर के कॉर्नर्स पर मेरे पास चार्जेस रखे हुए हैं प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, और यहां पर सेंटर पर मैं एक और चार्ज रखता हूं विच इज क्यू। आपको बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर, एक इस स्क्वायर के सेंटर पर आपको U बताना है। कैसे बताओगे, बहुत सिंपल सी बात है यार, आप पहले इसका एक साइड ले लो, कुछ भी A मान लू, R मान लेता हूं, अगर ये R है बेटा तो ये पूरा R रूट टू होगा, तो ये वाला क्या होगा, R बाई रूट टू होगा कि नहीं होगा, R रूट टू बाई टू आधा हो गया, सिमिलरली ये भी R बाई रूट टू, सिमिलरली ये वाला भी R बाई रूट टू, और सिमिलरली ये वाला भी R बाई रूट टू। पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगा, सारे से इंटरेक्शन होगा, है ना, मतलब ये देखिए आप, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे तो ये आपका क्यू क्यू है ना, तो एक तो हो जाएगा आपका K क्यू क्यू बाय आपका R बाई रूट टू, मैंने कहा ओके, एक माइनस वाले की वजह से, तो माइनस K क्यू क्यू बाय R बाई रूट टू, फिर एक इस वाले माइनस की वजह से माइनस K क्यू क्यू बाय R बाई रूट टू, और एक इस वाले की वजह से प्लस, तो प्लस के क्यू क्यू बाय आर बाय रूट टू। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, प्लस से माइनस कट गया, प्लस से माइनस कट गया, तो आपका वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया कि नहीं हो गया, वर्क डन क्या हो गया, या पोटेंशियल एनर्जी एट सेंटर क्या हो गया, जीरो हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये भी बोल सकता था कि सेंटर पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए, सेंटर पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए बेटा, ऐसा भी पूछ सकता था। अच्छा ये और भी पूछ सकता है आपसे, मतलब जैसे ये तो हो गया ना, अब ये और भी पूछ सकता है आपसे, ये यहां तक अगर आपने लिख लिया होगा तो एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बेटा, एक और क्वेश्चन करवा के फिर आगे बढ़ पाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं और उस तरीके से अगला कॉन्सेप्ट करते हैं। आई गेस आप लोगों ने लिख लिया होगा, राइट बच्चों, तो लेट्स मूव अहेड। एक बार मैं माइक भी चेक कर लेता हूं कि भाई हमारा माइक चल भी रहा है ये या नहीं, क्योंकि आज मैं इस पे पढ़ा रहा हूं। यस ओके, दिस इज वेरी क्लियर, आवाज आ रही है बिल्कुल अच्छे से, चलते हैं जरा वापस अपने जगह पर। हाँ जी, तो अब जैसे ये आपने देख लिया, अब जैसे ये आपने देख लिया, तो अब ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अब ये आपको क्वेश्चन देगा बेटा कि सर स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर, स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर हमारे पास ऐसे ही चार्जेस रखे हुए हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, और अब ये आपसे कहेगा सर डिस्टेंस फिर वही आ रहे, अब ये कहेगा सर फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब क्या पूछ रहा है आपसे, अब ये आपसे सेंटर पर नहीं पूछ रहा, अब ये कह रहा है सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताइए, और हमने तो क्या जाना था कि सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सारे चार्जेस को असेंबल करने के लिए जो वर्क डन लगता है, मतलब बेटा मतलब एक आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी, इसको डी, तो पहले आप फर्स्ट वाले को चूज कर लो बेटा, तो यू वन क्या होगा आपका, यू वन क्या होगा इसका सारे के साथ,
माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर है ना बेटा, फिर इसका भी माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर, और फिर इसका इस वाले के साथ, तो प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ये पूरा, तो क्या बनेगा आर रूट टू। मैंने कहा ओके, वन वाले का तो सबके साथ हो गया इंटरेक्शन, अब टू वाले का देख लेते हैं। ठीक है, इस वाले का, इसका किस किस के साथ होगा, वन के साथ ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, इसका इसके साथ होगा, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर, और इसका इस वाले के साथ भी होगा, विच इज माइनस माइनस प्लस के क्यू स्क्वायर बाय आर रूट। समझ में आया। अब इस वाले का टू के साथ भी हो गया, वन के साथ भी हो गया, सिर्फ इसके साथ रह गया, तो यू थ्री हो गया बेटा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर। एड कर दो सबको, तो यू सिस्टम क्या हो गया बेटा, यू सिस्टम क्या हो गया, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री, और एंड सो सो ऑन, कितना भी कर सकते। यहाँ पे आप कर दो माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर, फिर उसके बाद माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर, फिर माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर, अल्टीमेटली ये क्या है प्लस के क्यू स्क्वायर बाय आर रूट टू। ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस के क्यू स्क्वायर बाय आर रूट टू। आप क्या कह सकते हो यहाँ से, आप यहाँ से सीधा सीधा बेटा के क्यू स्क्वायर आप अपॉन आर आप कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा एक दो तीन चार माइनस फोर, और इधर से क्या बचेगा प्लस टू बाय रूट टू। टू बाय रूट टू का मतलब हो जाएगा बेटा माइनस आपका प्लस के क्यू स्क्वायर बाय आर, एक काम करो माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा फोर माइनस रूट टू बेटा, ये हो जाएगा फोर माइनस रूट टू। तो कभी कभी इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, कैसा भी वो आपसे क्वेश्चन पूछे आप इजीली बस उसका बगैर सोचे समझे आंसर दे दो। बगैर सोचे समझे मतलब सोचना तो है ही कि क्या है, लेकिन अच्छे तरीके से आप उसका आंसर दे पाओगे। राइट बच्चा पार्टी, आई गेस आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। चलो बच्चों बढ़ते हैं जरा अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर के पहले हिस्से का लास्ट टॉपिक। उसके बाद हम सीधा सीधा शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। सर ये चैप्टर तो छोटा है पिछले वाले से, डेफिनेटली छोटा है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम इसमें दो घंटे लगेंगे हमें करने में, मैक्सिमम दो घंटे बोल रहा हूँ, शायद अभी हमारा एक घंटे के आसपास तो होने वाला है या 50 मिनट्स के आसपास होने वाले हैं, दो घंटे मैक्सिमम लगने हैं इसमें। चलो बढ़ते हैं बच्चों टॉपिक की तरफ। तो अगला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी, व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है बच्चों, चलो रख देते हैं इसको। आप देखो बच्चे, इसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ऐसे करके हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, और ये आपका ऐसे करके चार्जेस है, ये आपका माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू। अगर आप ध्यान दोगे बेटा, अगर आप ध्यान दोगे तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, पहले ये थीटा वन पर रखा हुआ था, अगर ये ऐसा रखा होता तो टॉर्क तो लगता ही है ना, आपको पता है पिछले चैप्टर से करके आ चुके पी साइन थीटा। अब ये थीटा वन पे रखा हुआ है, हम इसको ले गए ऐसे करके, हम इसको ले गए माइनस क्यू है प्लस क्यू है, थीटा टू तक ले गए फिर, ठीक है डेल्टा मतलब डी थीटा चेंज हो रहा है। तो ट्रांसलेटरी में बेटा, ट्रांसलेटरी में जो वर्क डन होता था, वर्क डन इन ट्रांसलेटरी मोशन बेटा, वो होता था एफ डॉट डी एक्स। लेकिन रोटेशन में बेटा, रोटेशन में वही वर्क डन टॉर्क डॉट डी थीटा होता था, ये हम 11 से करके आ चुके। तो यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वर्क डन क्या होगा बच्चे, वर्क डन क्या होगा टॉर्क डॉट डी थीटा। अब आप देखोगे ये तो डी डब्ल्यू है, मतलब स्मॉल वर्क डन है, तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इस डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि टॉर्क की जगह डाल दो पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन। समझ में आया, चलो आप देखो पी ई तो बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन है साइन थीटा इंटू डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक बेटा, थीटा वन से थीटा टू तक। एक बात और बता दो, PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस थीटा होता है, और वो भी कहाँ से कहाँ तक, थीटा वन से थीटा टू तक। इसको मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, वर्क डन है हमारा, ये PE है बेटा, माइनस आप कॉमन ले लेना, और ब्रैकेट में कॉस थीटा टू
माइनस कॉस थीटा वन बेटा, ठीक है ना। अब एक बार माइनस अंदर चला जाएगा तो वर्क डन क्या हो गया, पीई, तो इधर हो जाएगा बच्चे कॉस थीटा वन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा टू, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। और आप कहते हो कि सर दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बेटा, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यू क्या हो गया बच्चे, यू हो गया पीई आपका कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। मैं आपकी बात ये भी सारी समझ रहा हूँ, मैं आपकी सारी ये वाली बात भी समझ रहा हूँ, लेकिन अब वो कहता है कि मान लेते हैं थीटा वन 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री होगा तो आपका थीटा मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। और थीटा टू अगर आपका थीटा है कुछ भी थीटा, तो यू हो जाएगा बेटा पीई कॉस 90 माइनस कॉस जीरो, ठीक है ना। कॉस जीरो वन होता है, कॉस 90 आपका जीरो होता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस पीई कॉस थीटा, या थीटा सॉरी जीरो क्यों ले रहे, थीटा ले रहे हैं, माइनस पीई कॉस थीटा, या फिर आप कह सकते हो यू बराबर माइनस पी डॉट ई। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, एक बार इसको कर लो, मुझे बता दो कैसे क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आपका ये हो जाए तो एक बार बता दो कि सर हो गया, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। आई गेस आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हो बच्चों। मैं आगे बढ़ता हूं आपके साथ। आगे क्या है ना, इसमें दो तीन केसेस है बेटा। सबसे पहले आपने मुझे बोला कि सर u बराबर माइनस पीई कॉस थीटा है, मैंने कहा ओके। अब बेटा यहां पर या तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो सकती है, या तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो सकती है बच्चे, या फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है। या तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो सकती है, या तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी होगी बेटा, जब थीटा आपका जीरो डिग्री होगा तभी तो ये पूरा वैल्यू वन होगा, तो यू आपका माइनस पीई आ जाएगा। और अगर थीटा 180 डिग्री होगा बच्चे, तो यू आपका प्लस ई होगा, प्लस पीई होगा और मैक्सिमम हो जाएगा। बच्चे आज के बाद याद रखना, जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गया मतलब आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है, पेपर में अक्सर पूछता है। और जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ गया मतलब आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये आपसे पेपर में बहुत बार पूछता है, तो प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा और इसको अच्छे से। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर आप देखते हो यहां तक जैसे ही आपका हो जाए, तो इसके जस्ट करने के बाद बेटा फिर हम अभी आएंगे बढ़ेंगे अपने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे एक कंडक्टर है, उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हमें जानना है, तो बस वही चीज हमें देखना है बेटा। नाउ वी हैव टू टेक द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। शायद अगर आपने कर लिया होगा तो आप बता दो, फिर बेटा मैं आपके आगे बढ़ता हूँ इसी से, है ना। आई गेस आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलो बच्चों जरा कैपेसिटेंस पहले मैं एक बार देख लेता हूँ, सब ओके है कि नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। चलो जरा हम लोग बच्चे अभी बढ़ते हैं, हम लोग अभी बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, विच इज कैपेसिटेंस, राइट बच्चों। इस पे बढ़ेंगे कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब बेटा आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चे, ये कैपेसिटेंस क्या होता है। बेसिकली कैपेसिटेंस एक कंडक्टर की एक इट इज एन एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्जेस, राइट बच्चे। यानी कि एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्जेस, बहुत सारे किताबों में स्टोर लिखा होता है बेटा, लेकिन स्टोर गलत होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस के होल्ड करने की एबिलिटी को आप इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हो, ना कि स्टोर करने की। अगर आप देखते हो तो यह होता है बच्चे दैट क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ही ज्यादा आपका चार्ज बढ़ेगा। तो क्यू बराबर सी वी बेटा, एक ये फॉर्मूला लगता है। और अगर आप यूनिट बात करते हैं, सी क्या हो गया बच्चे, सी इज क्यू बाई वी, इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है बेटा फैरेड, एफ ए आर ए डी, या कैपिटल एफ बोलते हो आप इसको, राइट बच्चे। इसका यूनिट क्या होता है, एफ ए आर ए डी, फैरेड बोलते हैं। और इट इज अ वेरी ह्यूज वैल्यू, इट इज अ वेरी ह्यूज वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू है। देयरफॉर वी प्रेफर यूज या वी प्रेफर यूजिंग
माइक्रोफेरेड या फिर बेटा पिकोफेरेड। माइक्रोफेरेड का मतलब 10^-6 फेरेड, पिको का मतलब 10^-12 फेरेड। या तो हम माइक्रोफेरेड को यूज करना प्रेफरेंस करते हैं बेटा, या हम पिकोफेरेड को यूज करना प्रेफर करते हैं। आई गेस आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, यहां तक तो आपने समझ लिया होगा। इस बात को बस प्रूफ करना रहता है कि ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है, तो कैसे है? आप एक बार प्लीज यहां तक नोट डाउन कर लो, लेट्स मूव। हम एक कॉन्सेप्ट करते हैं बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। एक अलग से स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसके कैपेसिटेंस के बिहाफ पे अभी मैं आपको बताता हूं बेटा। कर लिया बच्चे आपने? कर लिया? आगे बढ़े। देखो बेटा, तो अब कॉन्सेप्ट आता है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताना है, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बताना है। तो आप क्या करोगे, एक स्फेरिकल कैपेसिटर लिया आपने, उसका रेडियस कुछ आर है, इसका कैपेसिटेंस बताना है। पहले आप एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं कुछ क्यू चार्ज है, तो इससे पोटेंशियल क्या होगा? क्यू बाई 4π εr। भाई पोटेंशियल तो यही होता है के क्यू बाई आर या फिर क्यू बाई 4π εr। और आपको पता है क्यू बराबर सीवी है, मतलब ये स्मॉल क्यू ले सकते हो, क्यू बराबर सीवी है, तो सी क्या होगा बेटा? क्यू बाई वी। यानी कि सी क्या होगा बच्चे? क्यू अपॉन 4π εr। ये ऊपर जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी क्या हो जाएगा बेटा? 4π εr। सी क्या हो जाएगा बेटा? 4π εr। आई गेस आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर क्या होगा बच्चे। एक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा? 4π εr। राइट बच्चों, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? सी इज 4π εr। यानी कि सी जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो इसका अगर हमें ग्राफ भी बनाना हुआ, सी और आर का अगर मुझे ग्राफ भी बनाना हुआ, तो आप क्या करोगे बच्चे? सीधा सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, यू विल से सर सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मैं भी आपकी बात समझ गया। आपने कहा सर फैरेड इज इटसेल्फ अ वेरी ह्यूज वैल्यू, वो कहां से पता चला? मेरा मेन मुद्दा उसको ढूंढने का था, तो चलो भाई उसको ढूंढ लेते हैं एक बार। तो यहां तक अगर नोट डाउन हो गया हो तो एक बार बता दो, फिर ही मैं आगे बढ़ पाऊं बच्चे, फिर उसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे। जल्दी बताइए फटाफट, हो गया क्या बेटा? आई गेस हो गया होगा आप लोगों का। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना? तो अब हम करते हैं बेटा कैपेसिटेंस ऑफ एक अर्थ जो कि कितनी बड़ी बॉडी है, जिसका रेडियस ही मतलब 6400 किलोमीटर होता है, तो अर्थ का कैपेसिटर क्या होगा बेटा? 4π εr। अभी 4π εr तो क्या होता है? 1/9 × 10^9। और r क्या है बेटा? 6400 किलोमीटर, जिसको आप 10^3 से मल्टीप्लाई करोगे। इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो ये 713 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10^-6 आता है, या फिर 0.713 मिलीफेरेड आता है। राइट बच्चे, अब आप देखो अर्थ का कैपेसिटेंस, अर्थ कितनी बड़ी बॉडी है, उसका ही कैपेसिटेंस मिलीफेरेड में आ रहा है, तो फेरेड खुद में कितना बड़ा वैल्यू होता होगा। इसीलिए वी प्रेफर यूजिंग माइक्रोफेरेड एंड पिकोफेरेड इंस्टेड ऑफ सिर्फ फेरेड। आई गेस आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा बच्चे। अब मैं इसी के बिहाफ पे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो काफी बार पेपर में आ चुका होता है। राइट बच्चों, बुक मेरे पास ही है, मैं वहीं से आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। देखो बच्चों, क्वेश्चन लिखवा देता हूं। क्वेश्चन क्या है? ये कहता है 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 3 mm and carrying 10^-12 coulomb of charge are combined to form a single drop, बेटा एक सिंगल ड्रॉप को
बनाने के लिए हमने इसको कंबाइन कर दिया. फाइंड द कैपेसिटेंस एंड द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप. फाइंड द कैपेसिटेंस, फाइंड द कैपेसिटेंस एंड द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप एंड द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप. बेटा हमें कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप फाइंड आउट करना है. फाइंड द कैपेसिटेंस एंड द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप. बेटा एक तो कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है और बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है. तो यहां पर आप क्या कहोगे, छोटे वाले ड्रॉप का रेडियस आर ले लो, बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर ले लो, वॉल्यूम सेम रहेगा. आप यहां पर सीधा सीधा लिख दोगे सर वॉल्यूम ऑफ, आप इवन वीडियो पॉज करके खुद से कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप बराबर बेटा 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, क्योंकि 27 स्मॉलर ड्रॉप्स है, ठीक है ना, 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, यानी कि बेटा 4 बाई 3 पाई आर क्यूब बराबर बच्चे 27 इंटू 4 बाई 3 पाई स्मॉल आर क्यूब. 4 बाई 3 पाई से 4 बाई 3 पाई कट गया, आर क्यूब बराबर 27 आर क्यूब, तो कैपिटल आर बराबर बेटा यहां से अगर आप इसको हटाओगे तो 3R बन जाएगा, मतलब बड़े वाले ड्रॉप का जो रेडियस है वो 3R के बराबर है और स्मॉल r कितना है बेटा 3mm है, तो बड़े वाला r क्या हो जाएगा 3 into 3 into 10 की पावर माइनस 3 और यू कैन से 9mm या फिर 9 into 10 की पावर माइनस 3 मीटर. समझ में आया बच्चों, यहां तक आपका हो चुका होगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा. एक बार प्लीज नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है या पॉज करके लिखना है वो देख लो आप. नाउ लेट्स मूव टू द, आगे बढ़ता हूं मैं बेटा. अब देखो बच्चे, अब देखो कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप, बड़े वाले ड्रॉप का कैपेसिटेंस क्या होगा बच्चे, कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होगा, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. अभी 4 क्या है 1/9 इंटू 10 की पावर 9, आर क्या है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 9 से 9 कट गया ये ऊपर जाएगा, तो सी कितना होगा बेटा 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 9 और यू कैन से 10 की पावर माइनस 12 फैरड, या सी लिख सकते हो बेटा 1 पीको फैरड, क्योंकि पीको क्या होता है 10 की पावर माइनस 12. ये क्या है, बड़े वाले ड्रॉप का कैपेसिटेंस है. तो आप देखो बच्चे, चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप क्या होगा, चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप क्या होगा बेटा, चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप विल बी बच्चे, विल बी आपका, यानी कि ऐसा लिख लो Q बराबर 27 इंटू चार्ज ऑन स्मॉलर ड्रॉप, राइट बच्चे 27 इंटू चार्ज ऑन स्मॉलर ड्रॉप, ठीक है मैंने कहा ओके. अब आप देखो Q बराबर 27 और एक स्मॉलर ड्रॉप के ऊपर चार्ज 10 की पावर माइनस 12 कूलम. सिमिलरली क्या आप ये नहीं कह सकते पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होगा, क्या आप ये नहीं कह सकते पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होगा बच्चे, भाई बिगर ड्रॉप का तो पोटेंशियल क्या होगा, आपको पता है क्यू बराबर सी वी होता है, तो वी क्या होगा क्यू बाई सी, क्यू कितना आ गया 27 10 की पावर माइनस 12 और सी कितना है 10 की पावर माइनस 12, ये कट गया तो पोटेंशियल बड़े वाले ड्रॉप का कितना हो गया बेटा 27 वोल्ट. दिस वाज अ वेरी क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब आपने ये कर लिया हो तो आप मुझे बता दो, फिर उसके बाद हम अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं बेटा. अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं. अगर आप देखोगे बेटा तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या, जैसे आपने एक कंडक्टर का कैपेसिटर देखा ना, तो वैसे ही मैं आपको बता दूं ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की आप बात बता रहे हो ना बेटा, तो मैं आपको सिंपल सिंपल सा बता दूं इसके बारे में. ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, बेसिकली क्या होता है एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज होता है तो एक प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज होता है, और बहुत क्लियरली बात है कि बाहर एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, बीच में हमारा वैक्यूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही. अगर आप ध्यान दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में क्या होता था बेटा, अगर एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में क्या होता था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता था, याद होगा आप लोगों को, राइट बच्चों, ये होता था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर आप ध्यान दो प्लेट की दूरी आप डी ले लो तो आपको ये भी पता है कि E बराबर V अपॉन dB होता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस. तो इसका मतलब बेटा V क्या हो जाएगा E into D, मतलब V बराबर
सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। सिग्मा क्या होता है बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू बाय ए। आप इसको ऐसा ही लिखो या फिर क्यू बाय ए भी लिख सकते हो। कैसे? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए इनटू डी बेटा। समझ में आया? आपको क्या चाहिए? सी चाहिए। तो सी तो बेसिकली क्या होगा बेटा, क्यू बाय वी होगा। तो इसको q से डिवाइड करना पड़ेगा, q by epsilon not a into d। तो आप इसको ऊपर भेजोगे, q से q कट जाएगा, तो ये हो जाएगा epsilon not a upon d। तो कैपेसिटेंस एयर में या वैक्यूम में क्या होगा बच्चे, epsilon not a by d। अब आपको इसके बिहाफ पे दो और कॉन्सेप्ट करने हैं। एक तो हमें बेटा इसके अंदर, एक तो हमें ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर बच्चे, एक तो हमें कंडक्टिंग प्लेट डालनी है और एक आपका डाई इलेक्ट्रिक डालना है। क्या करना है? एक कंडक्टिंग प्लेट और एक डाई इलेक्ट्रिक डाल देते हैं। क्या करेंगे बच्चे? तो आप कहोगे सर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन देम, व्हेन अ conducting slab is inserted between them, when a conducting slab is inserted between them। मैंने कहा ठीक है भाई, conducting slab का मतलब क्या होता है? उसके अंदर electric field zero होता है। कौन सी? net electric induced तो होती है बेटा, but net electric field zero होती है। बड़ी simple सी बात है यार, उसके surface पे charge reside करता है, ये आपका negative, ठीक है ना, ये आपका पॉजिटिव, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है एयर में बेटा। एयर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। कॉन्सेप्ट समझाता हूं, डोंट वरी, टेंशन मत लो आप लोग। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा बेटा, पूरा थिकनेस डी था, कंडक्टिंग स्लैब का थिकनेस टी है। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये पूरा का पूरा सिर्फ एयर था तो ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हुआ करता था, ई नॉट। लेकिन अब सिर्फ ये ई नॉट है और ये वाला ई नॉट है, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा? वो आपका ई नॉट प्लस जीरो होगा, या ये वाली दूरी और ये वाली दूरी मिला के क्या है? टी माइनस टी है बेटा। तो आप क्या कहोगे? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मत लो, पोटेंशियल ले लो। क्या होता है? ई इंटू डी होता है। तो यहां पर वी क्या होगा बेटा? ई नॉट इंटू डी की जगह टी माइनस टी, राइट बच्चे? मैंने कहा ठीक है। अब ई नॉट क्या होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी। मैंने कहा ये भी सही, ये आपका वी हो गया। वी तो क्या होता है? क्यू बाय सी। तो क्यू बाय सी बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। भाई क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, रेसिप्रोकल ले लो। सी क्या हुआ? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी। सी क्या हुआ बेटा? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी। यही से लिख लो आप, यहां से देख लो, सी इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी। मैंने कहा ओके। एक स्पेशल केस लेने का मेरा बड़ा मन कर रहा है। आप कहते हो कि सर अगर पूरी की पूरी ही कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया जाए, मतलब थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब क्या हुआ, मतलब बीच में एयर है ही नहीं, सिर्फ कंडक्टिंग स्लैब डाला है, तो सी क्या हो जाएगा बच्चे? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस डी, यानी कि एप्सिलॉन नॉट ए बाय जीरो, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा कैपेसिटेंस। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, इसको अपने पास जरूर रखो, राइट बच्चा पार्टी? इज दिस ओके गाइस? समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, आप इस तरीके से भी इससे लड़ सकते हो, राइट बच्चों? आई गेस आप सभी बच्चों को समझ में आ गया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ी सी हम कॉन्सेप्ट को आगे खोलने की कोशिश करते हैं। अब तो मैंने कंडक्टिंग स्लैब डाला था, अब एक काम करता हूं मैं डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डालता हूं। आपको फर्स्ट चैप्टर में डाई इलेक्ट्रिक के बारे में मैंने बताया था, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो बच्चे। ये है आपका कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन देम। नाउ वी विल इंसर्ट डाई इलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन देम। कर लिया होगा शायद आप लोगों ने, है ना? आगे बढ़े। अब आप कह सकते हो बेटा, अब आप कह सकते हो capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric slab is inserted between them,
when a dielectric slab is inserted between them beta. When a dielectric slab is inserted between them. तो असल में क्या होगा बच्चे, असल में अगर आप देखोगे तो फिर वही कहानी है, प्लस माइनस एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब आप क्या कर रहे हो, डाइइलेक्ट्रिक बेटा, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब एक इंसुलेटिंग मटेरियल जरूर है, लेकिन वो पता है क्या कहता है, वो कहता है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करूंगा। भाई ये तो बाहर तो हवा की वजह से है, यहां पर वो कहता है मैं यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करूंगा बेटा। तो इसने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस किया, तो इसके ऐसा थोड़ी है, इसके अंदर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा कितना, तो इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा दैट विल बी ई नॉट बाय के, ई नॉट बाय के। बाहर तो ई नॉट है, इसका थिकनेस वही टी है और पूरे का थिकनेस डी है बेटा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा दैट विल बी आपका ई ड्यू टू डाई इलेक्ट्रिक प्लस बेटा ई नॉट, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक की वजह से, या पहले ई नॉट ले लो प्लस यहां पर क्या होगा ई नॉट बाय के। और पोटेंशियल तो वही है, आपको पता ही है, ई नॉट के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा बेटा डी माइनस टी, और डाई इलेक्ट्रिक के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा सिर्फ टी। ये आपको पोटेंशियल के बारे में समझ में आ गया होगा। इसको आगे बढ़ाता हूं, उधर ऊपर लेके जाता हूं, या पहले यही से लिख लूं, ई नॉट को अगर आप कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में आएगा डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है ना बच्चे, मैंने कहा ओके। अब आपको पता है V तो क्या होता है Q by C, और E नॉट क्या होता है Q by epsilon नॉट A, इधर ब्रैकेट में D माइनस T प्लस T by K। Q से Q कट जाएगा, C क्या होगा बेटा epsilon नॉट A by D माइनस T प्लस T by K। C is what epsilon नॉट A by D माइनस T प्लस T by K, राइट बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। और कहानी अगर आप देखोगे, ये तो आपका कैपेसिटेंस हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अब इसके बाद अगर आप देखते हो बच्चे, तो यहां पर एक स्पेशल केस ले लेता हूं मैं, यहां पर मैं एक स्पेशल केस ले लेता हूं। वो कहता है अगर मान लो पूरी की पूरी थिकनेस ही डाई इलेक्ट्रिक हो, मतलब प्लेट के बीच में एयर है ही नहीं, वैक्यूम है ही नहीं, सिर्फ डाई इलेक्ट्रिक मतलब सिर्फ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है, सी हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस डी प्लस डी बाई के, ये तो कट गया, सी विल बी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये के ऊपर चला जाएगा, ये एयर की वजह से था तो सी विल बी के इंटू सी एयर। मतलब अगर आपने उन प्लेट्स को डाई इलेक्ट्रिक स्लैब में रख दिया, तो आप कहोगे कि सर कैपेसिटी विल इंक्रीजेस के टाइम्स, जो हमारा कैपेसिटी है वो क्या बन जाएगा, के टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इज इट ओके गाइस, हमारी कैपेसिटी कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, के टाइम्स। आई गेस आपको समझ में आ रहा है, प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिए, मैं फिर एक बार चेक कर लेता हूं बच्चे कि हमारा ऑल एवरीथिंग ओके और नॉट, इज एवरीथिंग ओके, यस रिकॉर्डिंग इज बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। चलो बढ़ते हैं आगे बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया, सी इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, राइट बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं जरा थोड़ा सा, अब कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन और सीरीज भी तो पढ़ना पड़ेगा। लास्ट ज्यादा ज्यादा आधे घंटे का चैप्टर है, 45 मिनट्स मैक्सिमम चैप्टर पेंडिंग है बच्चे। अब देखो बेटा, अब हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। मुझे लगता नहीं है बेटा कि मुझे ये आपको इस टाइम पे करवाना चाहिए, ये तो आप सभी को आता ही होगा, ठीक है। अब पहले तो सीरीज कर लेते हैं फिर पैरेलल, सिर्फ फॉर्मूला लिखवा रहा हूं बेटा आपको, ठीक है, पूरा लिखवाने की ना तो मेरे को कोई जरूरत है ना ही आपको पढ़नी चाहिए जरूरत। तो 1 अपॉन सी सीरीज होता है बेटा, 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू प्लस डैश 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 1 अपॉन सी एन। तब अगर आपने यहां से अलग अलग कैपेसिटर प्लेट, सॉरी ये मैंने पैरेलल में लगा दिया, रियली सॉरी फॉर दिस, मैं इसको जरा इरेज कर देता हूं यहां से, ठीक है, ये मैंने पैरेलल में लगा दिया। ये तब होता है बच्चे जब हम यहां पर सीरीज में अलग अलग कैपेसिटर प्लेट लगा रहे हैं, सी वन सी टू और सी थ्री डैश डैश डैश। और अगर यही कैपेसिटर प्लेट आपके पैरेलल में जुड़ जाएंगे बच्चे, तो ये फॉर्मूला कुछ और बन जाएगा, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सी पैरेलल विच विल बी सी वन प्लस सी टू प्लस डैश 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 सी एन बेटा। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी वन प्लस सी टू प्लस डैश 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 सी एन, राइट बच्चा पार्टी। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज या पैरेलल में ले तो कैसे हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस कॉम्बिनेशन के ऊपर मुझे आपको एक क्वेश्चन दे देना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे
एक ही साथ थोड़ा बढ़िया दे देता हूं बेटा, ठीक है, एक ही साथ थोड़ा सा बढ़िया दे देता हूं मैं, फिर आगे बढ़ेंगे, राइट बच्चा पार्टी। तो देखते हैं बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, यहाँ पर एक छोटा सा कॉम्बिनेशन दिया होगा, मैं बना देता हूँ थोड़ा सा अच्छे वाला कॉम्बिनेशन पहले ही बता देता हूँ आपको, फिर बाकी एक दो होमवर्क दे दूंगा ये कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन के ऊपर, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, राइट बच्चों। हाँ जी, तो एक ये मैंने दे दिया आपको ऐसे करके, एक यहाँ से मैं और बना देता हूँ आपके लिए, एक हम यहाँ से और देख लेते हैं, है ना, यहाँ से फिर हम और देख लेते हैं, और यहाँ से करके फिर से आप अगर करके हो जाएगा फिर से ए, यहाँ से आप इसको पढ़ाते रहो। आप देखो ये C1 है, ये C2 है बेटा, ये आपका C3 है, ठीक है, ये C7 है, ये सिर्फ C है, ये आपका C5 है, ये C6 है, ये C6 है, ये C4 है बेटा, ये C6 है, ये आपका 4 माइक्रोफैरड है, ठीक है, 4 माइक्रोफैरड है, और ये आपका 12 माइक्रोफैरड है, ये 6 माइक्रोफैरड है, ठीक है, और ये आपका क्या है, C7 is what? 1 microfarad. ये 8 microfarad है. ये आपका 2 microfarad है और ये आपका 2 microfarad है. उसने कहा कि equivalent capacitance between AB जो है वो 1 microfarad है. आपको C की value बतानी है. The equivalent capacitance between A and B is 1 microfarad. आपको C की value बतानी है. बच्चे कभी भी इस तरीके के questions आप करते हो ना, तो सबसे पहले पहले तो आपको ये देखना है कि ये 2 और 3 है, तो इसको आपको थोड़ा सा ना और शॉर्ट बनाना पड़ेगा, मतलब ये ऐसे बनना पड़ेगा, ये सी हो गया बेटा, यहाँ से आपका अगेन वही सी वन, और फिर उसके बाद आप यहाँ से हमारे पास क्या है 7 तक है ना, सी 8 ले लो, क्या हो जाएगा पैरेलल है, 2 और 2 4 माइक्रोफैरड, और ये कितना वही 8 है, ये अपना वही सी 7 है बेटा, 1 माइक्रोफैरड, ठीक है ना, वही अपना सी 7 है। आगे बढ़ जाओ बेटा, ये अपना वही, अब आप इसको देख लो बेटा, अब आप इसको देख लो, ये तो अपना 6 है बेटा, ये तो अपना 6 है, लेकिन इवन ये 4 है ना, तो इसको तो आप पैरेलल में लगा दो, इन दोनों को सीरीज में जोड़ दो, 6 और 12 को सीरीज में जोड़ दो, 6 तो ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है आपका C5 और 6 है ना, तो आप इसको C9 लिख लो, C9 कितना हो जाएगा बच्चे, इसका हो जाएगा 6 × 12 / 6 + 12 = 18 4 माइक्रोफैरड रह गया, इसका 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया, और ये आगे ऐसे करके हमने कनेक्ट कर दिया बेटा इसको, तो हमने आगे ऐसे करके कनेक्ट कर दिया, राइट बच्चा पार्टी। ये आपका ए है, ये वही सी है। अब शायद आपको थोड़ा थोड़ा क्लियरिटी दिख रही होगी, अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड आगे करेंगे। ये तो अपना सी है बच्चे, ये अपना सी है, और अगर आप इसकी बात करोगे तो ये सी वन और सी एट का आप सी टेन कर लो, इसका C10 कर लो ऐसे करके, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा C10, तो C10 जो होगा वो क्या होगा बेटा, सीरीज था, क्या क्या सीरीज में थे, 4 और 8 वाले सीरीज में थे, तो आप कहोगे C10 बराबर 8 × 4 / 8 + 4 मतलब 32/12 मतलब 2 से 6, 2 से आपका 16, 2 से 3, 2 से 8 तो 8/3 आ, और फिर उसके बाद आगे C7 तो अपना लगा ही था, इधर से आप इन दोनों का पैरेलल ले लो, कितना 8 हो जाएगा, इसको C11 मान लो, तो क्या मान लो C11, तो आप क्या मानेंगे C11, C11 क्या हो जाएगा 8, अगर आप देखोगे तो ये B है क्या आपका, राइट बच्चों, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब अल्टीमेटली हमें तो बेसिकली C फाइंड आउट करना था, तो ये जो 8/3 है पहले, अब आप ये C7 1 माइक्रोफैरड था, अब आप ये 1 और 8 को पैरेलल में सीरीज में ले लो, तो ये ऐसा बन जाएगा बेटा आपका, C तो है ही है, ठीक है, कि यहाँ से आपका C10 है which is 8/3, यहाँ से आपका C11 आ जाएगा, C11 कितना होगा बेटा, C11 भी निकाल लो, 1 × 8 / 1 + 8 और यू कैन से 8/9 और यू कैन से 8/9 और ये आपका B है, राइट बच्चा पार्टी। तो अल्टीमेटली C के साथ आपका इन दोनों का पैरेलल जुड़ जाएगा, तो उसको C12 मान लेते हैं, उसको C12 मान लेते हैं, तो C12 क्या होगा बच्चे,
आठ बाई तीन प्लस आठ बाई नौ पैरेलल है ना, इसलिए नीचे नाइन आ जाएगा, ऊपर 24 प्लस 8 मतलब 32 बाई 9 माइक्रोफेरेड। तो ये हो जाएगा आपका 32 बाई 9 माइक्रोफेरेड। ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये ए हो गया। और अब आप देखो बेटा, अब आप देखो सी अक्रॉस ए बी जो होगा वो क्या होगा, सी इंटू 32 बाई 9 प्लस सी प्लस 32 बाई 9। और आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका 1 माइक्रोफेरेड है, ये कितना है 1 है, 1 बराबर, अच्छा माइक्रोफेरेड है ना, इधर इधर क्या है माइक्रोफेरेड, इधर से एक माइक्रोफेरेड कट जाएगा, तो 1 बराबर आपका 32c/9 अपॉन 9c प्लस 32/9, 9 से 9 कट गया अगेन, इसको वहां शिफ्ट करो, तो ये आपका कुछ ऐसे बनेगा बेटा, कैलकुलेशन देखो, 9c प्लस 32 बराबर 32c, और यू कैन से बच्चे 32 बराबर, इसको वहां माइनस करो, 32 माइनस 9 कितना होगा 23c, सी बराबर 32/23 माइक्रोफेरेड। तो द वैल्यू ऑफ दिस सी, अब आप कहोगे सर ये तो काफी बड़ा नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया बच्चे, बिल्कुल हो गया, यहां से आप कॉम्बिनेशन बनाते बनाते ये पूरा कर लिया, आप एक बार इसको नोट करना शुरू करो, फिर मैं आगे आपको करवाऊंगा, बड़ा भले ही हो गया लेकिन बहुत ईजी था, कुछ मुश्किल था ही नहीं इसमें। इसी तरीके से मैं आपको अब कुछ कुछ सवाल करवाने वाला हूँ, ठीक है, आपको उन सारे क्वेश्चंस को घर पे ट्राई करना है कि आप सॉल्व कर सकते, राइट बच्चों, कर लिया आपने, कुछ दो चार होमवर्क क्वेश्चन दूंगा मैं भी आपको, आपको वो दो चार होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए देता हूं आपको सबसे पहला पहला होमवर्क क्वेश्चन बच्चे, जितना इस पेज पे आ गए उतने होमवर्क क्वेश्चन दे दूंगा, जैसे जैसे आपको कुछ भी दे दिया, बेसिक यहां से ऐसे शुरू करो, आपको ये देखना है पहले कि ये कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज है या पैरेलल है, और फिर आपको करते रहना है, आपको समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अनअकैडमी में आस्क अ डाउट फीचर तो आ ही चुका है, आप उस आस्क अ डाउट फीचर से भी कर सकते हो, राइट बच्चे, यहां से एक और ले लेता हूँ, यहां से एक और, ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर लो और इसको आप ऐसे कर लो, ठीक है, ये भी देख लेना, और इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा अच्छा तो क्या ही, आसान है ये, आपका सारे सी 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 है बेटा, ठीक है, सी 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 सी, और सी जो है वो 6 माइक्रोफेरेड है, सी जो है वो 6 माइक्रोफेरेड है, ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे बना दो आप, इधर से एक और बना दो, इधर से ऐसे बना दो, इधर से ऐसे बना दो, ऐसे ये ऐसे, ये वही अगेन सी 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 और सी, मुझे आपको हर एक जगह पर यहाँ पर क्या बताना है बेटा, सी इक्विवेलेंट बताना है आपको। एक और थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन, बस ये फोर्थ वाला पार्ट थोड़ा सा हैवी, कैसे हैवी तो क्या ही, अभी जो करवाया था वैसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये उससे थोड़ा सा हल्का है, राइट, ऐसे मैंने ले लिया, हो गया आपका, एंड लाइक दिस वन, ऐसे लिखता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ से इसको आगे ऐसे करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 2 माइक्रोफेरेड, ये हो जाएगा 4 माइक्रोफेरेड, ये हो जाएगा 4 माइक्रोफेरेड, अगेन 2 माइक्रोफेरेड, अगेन 4 माइक्रोफेरेड, ये भी 4 माइक्रोफेरेड, और आपको क्या बताना है बेटा, सी अक्रॉस ए बी, आपको सी अक्रॉस ए बी बताना है, तभी मैं आपको सी अक्रॉस ए बी बताना है। तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है गाइस, प्लीज इनको करना, उसके बाद ही आप मतलब कुछ 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 क्वेश्चंस लगाने पाओगे और कुछ कुछ बहुत सारी चीजें अच्छे कर पाओगे। अब ये तो हो गया, अब इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है, सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब क्या कॉन्सेप्ट आएगा बेटा, जरा एक बार हम देख लेते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग ठीक चल रही है कि नहीं। हाँ जी बिल्कुल ठीक चल रही है, चलिए वापस आते हैं अपनी जगह पर, ये तो जल्दी ही चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, मेरे को लगता है 2 घंटे भी कंप्लीट नहीं ले पाएगा, तो आप देख लो इतनी जल्दी क्वेश्चंस के साथ चैप्टर खत्म हो रहा है, तो आपकी रिवीजन कितनी जल्दी हो पाई। सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर बेटा, नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर है वो हमें बताना है। तो आप क्या करोगे बच्चे, आप क्या करोगे, सीधा सीधा आप यहां से देखो, सीधा सीधा आप यहां से देखो बेटा, बेसिकली तो आपका यहां पर वही प्लस क्यू है, यहां पर आपका इवन क्यू डैश है, यहां पर माइनस क्यू डैश। आपने क्या किया बेटा, ये आपका प्लस वाला चार्ज प्लेट है, आप क्या कर रहे हो, इस माइनस क्यू डैश से यहां से कुछ आप
डी क्यू डैश चार्ज इधर भेज रहे हो, तो इसमें क्यू डैश प्लस डी क्यू हो जाएगा, इसमें माइनस क्यू डैश माइनस डी क्यू हो जाएगा। और ऐसा मान के चलते हैं हम लोग कि सपोज करते हैं अब इस प्लेट पे क्यू चार्ज बन गया और इस पे माइनस क्यू, ठीक है ना, इस पे माइनस क्यू, बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, ठीक है ना, ये आपका वही प्लस और ये आपका वही माइनस। आपने क्या लिखा, आपने यहां पर कहा कि सर लेट लेट डी डब्ल्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, लेट डी डब्ल्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर टू अनदर, वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर टू अनदर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा तो क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपने डी डब्ल्यू अमाउंट करा तो डी डब्ल्यू क्या होगा बच्चे, डी डब्ल्यू आपका क्या होगा, वी इंटू मतलब डी क्यू इंटू वी हो जाएगा बच्चे, डी क्यू इंटू वी हो जाएगा, राइट बच्चा पार्टी। तो अगर आप ऐसा करते हो तो ये वी क्या है, दिस विल बी क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, दिस इज योर डी डब्ल्यू। हमें तो वर्क डन चाहिए पूरा, हमें तो पूरा वर्क डन चाहिए, तो पूरा वर्क डन क्या होगा आपका, वन अपॉन सी बाहर ले लो, क्यू इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन बेटा, राइट। तो वर्क डन क्या हो गया, वन बाई सी, और इसका क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू, वर्क डन क्या हुआ, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। और आप कहते हो कि सर दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो इसलिए बेटा यू हो गया क्यू स्क्वायर बाई टू सी, इसलिए बच्चे यू हो गया क्यू स्क्वायर बाई टू सी। आई गेस आपको समझ में आया मैंने क्या किया, लेकिन ये क्यू स्क्वायर बाई टू सी तक ही हमारी कहानी सीमित नहीं है, इसको हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। पहले ये तो लिख लो दैट यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी, आई गेस आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपने कहा सर यू बराबर क्यू स्क्वायर बाई टू सी, मैंने कहा ओके बिल्कुल सही बात है, यू इज क्यू स्क्वायर बाई टू सी। तो आप इसको अगर क्यू बराबर सी वी डाल दोगे तो क्या आप यू को ऐसे नहीं लिख सकते, क्यू मतलब सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू सी, मतलब सी से सी कट जाएगा, और यू कैन से हाफ सी वी स्क्वायर, और यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। और आप क्या कह सकते हो, आपका सी बराबर क्यू बाई वी है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, क्यू स्क्वायर अपॉन यहां से टू और क्यू बाई वी, वी आगे चला जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, यू बराबर क्यू वी बाई टू। इसका मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है तो या तो वो क्यू स्क्वायर बाई टू सी हो सकती है, या आपका क्यू वी बाई टू हो सकती है, या आपका हाफ सी वी स्क्वायर हो सकती है। तो आगे से याद रखना, एक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का पोटेंशियल एनर्जी अगर आपसे कोई पूछे तो दैट विल बी हाफ सी वी स्क्वायर, दैट विल बी हाफ सी वी स्क्वायर। नोट डाउन कर लो, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। आई गेस कर लिया होगा आपने, चलो भाई आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी बताना है हमें, हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी। तो सी क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, और आपको पता है ई हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हुआ करता था, या फिर सिग्मा बराबर बेटा ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, राइट बच्चा पार्टी, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब आपको यह भी पता है सिग्मा बराबर क्यू बाय ए होता है, तो क्यू बराबर सिग्मा ए भी होता है, क्यू बराबर सिग्मा ए भी होता है, और सिग्मा की जगह आप एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए भी डाल सकते हैं, राइट बच्चा पार्टी, ऐसा हो गया। अब जैसी आप ऐसा करोगे तो आप यू को बना सकते हो यू इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो आप एनर्जी लिख लो फिर एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है। पहले तो आप एनर्जी लिख लो, एनर्जी क्या है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, मतलब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन टू सी, राइट बच्चा पार्टी। सी क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है,
सी क्या है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है। यहां से देखो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, ए से ए कट गया, तो एनर्जी आपका आ रहा है, एनर्जी आपका आ रहा है बेटा 1/2। इधर से आपका क्या है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए, और नीचे यहां पर इवन ये ऊपर ये डी तो यहां से ऊपर जाएगा तो ए डी। और अगर इसी को आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो ये स्मॉल यू बन जाएगा एनर्जी डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगा ए इंटू डी, मतलब हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी अपॉन बेटा ए डी, ए डी से ए डी काट दो तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यानी कि कोई अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी क्या होगा तो आप सीधा सीधा कह देंगे सर हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, आप सीधा सीधा कह देंगे सर हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? आई गेस आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। यहां तक करने के बाद बस हमारे पास एक लास्ट टॉपिक कॉमन पोटेंशियल, फिर आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब लॉसेज ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। एक बार प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, फिर ही हम आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर ही हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। राइट बच्चा पार्टी, ठीक है कर लिया आपने, आगे बढ़े चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है बेटा कॉमन पोटेंशियल, हमारा कॉन्सेप्ट किस चीज का है, कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। अब ये कॉमन पोटेंशियल क्या होता है आप प्लीज मुझे एक बार ये समझाइए। कुछ नहीं बच्चों, यहां से आप ऐसा कर लो, ये सपोज करते हैं अलग से कैपेसिटर है, ये सपोज करते हैं अलग से एक कैपेसिटर प्लेट है, इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर U इनिशियल या U1 क्या होगा, या एक काम करो ना U1 क्या करोगे, Q1 बराबर C1 V1 हो गया और Q2 बराबर C2 V2 हो गया। अब आप बच्चे अगर इनको एक साथ पैरेलल में लगा दो तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा, देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ये C1 है ये C2 है, तो क्या होगा बच्चे अगर ये टोटल Q है, Q क्या है बेटा Q1 प्लस Q2 है, तो क्या होगा यहाँ से इसके पास आपका Q1 जाएगा इसके पास Q2 जाएगा। राइट बच्चा पार्टी, अब Q तो क्या होगा C इंटू वी, और इनके अक्रॉस पैरेलल में है तो देयर विल बी सम V कॉमन या कॉमन पोटेंशियल। राइट, तो C इंटू वी कॉमन, और यहां से अगर आप देखोगे तो Q1 क्या है C1 V1 और Q2 क्या है C2 V2, C से डिवाइड कर दो, V कॉमन क्या होगा बच्चे आपका C1 V1 प्लस C2 V2, उससे C डिवाइड करोगे, ये C क्या है, C इक्विवेलेंट है, पैरेलल में C क्या होता है ऐड होता है C1 प्लस C2। तो आगे से अगर आपसे कोई भी पूछे बच्चे कि कॉमन पोटेंशियल क्या होगा जब दो कैपेसिटेंस को एक साथ हम पैरेलल में जोड़ देंगे या चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो कॉमन पोटेंशियल विल बी C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। राइट बच्चों, राइट बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है यहां तक मैं क्या बोल रहा हूं, तो दिस विल बी द कॉमन पोटेंशियल। चलो कोई बात नहीं, अब बढ़ते हैं जरा बच्चे लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। क्या लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, देखो बच्चे क्या लिखेंगे हम यहां से सीधा सीधा लिखेंगे बेटा लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। बेटा चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी का लॉस, बेटा चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी का लॉस, तो आप सीधा सीधा क्या कहोगे बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, ये अगर अलग से रखे हुए है तो ये C1 है, ये अलग से रखे हुए है तो ये आपका C2 है। तो यहां पर पहले तो इनिशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस इसका वाला हाफ C2 V2 स्क्वायर। राइट बच्चे, राइट, ओके कोई बात नहीं। हमने क्या किया, हमने इनको कंबाइन किया ऐसे पैरेलल में, तो कॉमन पोटेंशियल वाली कहानी आ जाएगी, ये C1 है ये C2 है, यहां पर कहीं ना कहीं V कॉमन होगा। राइट, तो आप क्या कहोगे, U फाइनल विल बी हाफ C फाइनल इंटू V फाइनल का स्क्वायर। C फाइनल क्या होगा बेटा, C1 प्लस C2, और V फाइनल क्या होगा, वही जो अभी थोड़ी देर पहले किया कॉमन, C1 V1 प्लस C2 V2,
C1V1 plus C2V2 upon C1 plus C2 का whole square बेटा. So this will be what? This will be your U final. What will be this? This will be your U final. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चे? अब U initial भी पता चल गया, U final भी. जरा अगले पेज पे इनको दोबारा से एक बार नोट डाउन कर लो बच्चे. कैसे? U initial क्या होगा? Half common ले लो, C1V1 square plus C2V2 square. Right बच्चे? और U final क्या है बेटा? Half इधर से C1 plus C2, इधर से C1V1 plus C2V2 upon C1 plus C2 का whole square. Right बच्चा पार्टी? एक बार इसका भी स्क्वायर है तो एक बार एक से ये काट दो तो यू फाइनल आपका क्या रह जाएगा? 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर. नीचे डिवाइड होगा बेटा C1 प्लस, मैंने कहा ठीक है. आपको क्या चाहिए? लॉस ऑफ एनर्जी. बच्चे एनर्जी का लॉस मतलब क्या है? कि इनिशियल कुछ एनर्जी है और फाइनल कुछ और एनर्जी है. लॉस ऑफ एनर्जी क्या है बेटा? कि इनिशियल एनर्जी कुछ है और फाइनल एनर्जी कुछ है और दोनों में आप एनर्जी डिफरेंस देख लो, मतलब डेल्टा यू बेटा. डेल्टा यू क्या होगा? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल. व्हाट विल बी डेल्टा यू बच्चे? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल. तो आप क्या कहोगे सीधा सीधा? 1/2 कॉमन है ही, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस बेटा आपका C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन बच्चे इधर से C1 प्लस. वैसे तो अगले पेज पर ही लेके जाएंगे क्योंकि इस पेज पर हो नहीं पाएगा, पर आप एक काम करिए, LCM से पहले C1 प्लस C2 को मल्टीप्लाई करिए. हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर इंटू बेटा इंटू C1 प्लस C2 माइनस कर लो C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर और इस पूरे को डिवाइड करो बच्चे, इस पूरे को डिवाइड करो C1 प्लस. देखते हैं शायद हो जाए. ये क्या है? डेल्टा यू है बेटा. शायद हो भी जाए, शायद हो भी जाए. कॉमन क्या लेंगे? हाफ. इधर से आप करो ये एक बार ही, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 को मल्टीप्लाई किया फिर C1 को C2 के साथ, तो प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस बेटा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस बच्चे C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर. ठीक है ना? आपका ये तो हो ही गया. माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर. ठीक है ना बच्चे? और इधर से आप देख लो, माइनस था तो माइनस 2 C1 C2 V1 V2. ठीक है? और इस पूरे को डिवाइड कर रहा हूँ बेटा मैं, मतलब ये तो नीचे से पूरा ही डिवाइड कर लो, 2 C1 प्लस C2. कैंसिल आउट करो जरा, ये स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ये स्क्वायर वाले से स्क्वायर कट गया. हमारे पास क्या बच गया बेटा? हमारे पास बच गया डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 प्लस C2 और ऊपर एक काम करो, C1 C2 कॉमन ले लो. ब्रैकेट में क्या बचेगा? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 माइनस 2 V1 V2. आप क्या कहोगे? डेल्टा यू बराबर बेटा आपका C1 C2, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB है, तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा 2 C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस. What is this? This is your loss of energy on redistribution of charges. अगर charges का redistribution हो रहा है बेटा, तो ये हमारा energy का loss हो रहा है वहाँ पर. When there is redistribution of charges, there is loss of energy बच्चे. I guess आपको समझ में आ रहा है. और आप देखो ना, ये V1 minus V2 किसी भी negative का square भी positive ही होगा, तो delta U आपका positive ही आ रहा है. Delta U positive का मतलब हो गया बेटा U initial U final से बड़ा है, तो energy का loss हो रहा है. और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आपका फिनिश होता है बच्चे. तो आप जो है बच्चा बाटी, इस तरीके से इस चैप्टर को करेंगे. हम चलेंगे अपना वापसी यहां पर. तो इसी तरीके से बच्चों, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करो यार, सबका नाम रोशन करो और इस चैप्टर को भी रिवाइज करो. मुझे पता है ये चैप्टर कमिटमेंट के हिसाब से लेट आ गया, लेकिन बच्चों कोविड हो रखा था जिसकी वजह से हेल्थ बहुत डाउन है, लेकिन फिर भी कोशिश करी जा रही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जल्दी चैप्टर्स दिए जाए. ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मुलाकात करेंगे आपसे अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर के वन शॉट में. तब तक के लिए बच्चा पार्टी, ऑल द बेस्ट, बाय ऑल, गुड नाइट एंड यस, जय हिंद.